जय हिंद। मैं मेजर प्रवीण सिंह, डायरेक्टर कार्डिनल वॉरियर्स प्राइवेट मिलिट्री स्कूल विद जोश और होश। तो ये कई पेरेंट्स की मेरे पास में इंक्वायरीज आती हैं। अभी एडमिशन टाइम्स चल रहे हैं एंड वी आर हैविंग लॉट ऑफ इंक्वायरीज। पीपल कॉलिंग मी, पीपल कमिंग टू विजिट द स्कूल। उनका बेसिक जो कुछ क्वेश्चंस होता है, थॉट की एक वीडियो बना करके मैं अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पे प्लस आप लोग के पास व्हाट्सएप में भेज दूँ, सो दैट बिफोर यू लैंड अप एट द स्कूल आपको एक क्लियर आइडिया हो कि वॉट इज़ प्राइवेट मिलिट्री स्कूल। क्योंकि बेसिक क्वेश्चन सबसे पहले पेरेंट्स यही पूछना चाहते हैं कि ये प्राइवेट मिलिट्री स्कूल क्या है, ये तो हमने ना कभी सुना ना कभी देखा छत्तीसगढ़ में, तो ये एक्चुअली है क्या। तो प्राइवेट मिलिट्री स्कूल का जो यदि इतिहास देखा जाए तो सबसे पहला प्राइवेट मिलिट्री स्कूल स्टार्ट हुआ था 1935 में एंड इसको इस्टेब्लिश किया था सेंट्रल हिंदू मिलिट्री एजुकेशन सोसाइटी ने। और उनका उद्देश्य ये था कि जो भारतीय सेना, उस वक्त की ब्रिटिश सेना होती थी, उसमें जो अधिकारी होते थे वो गोरे अधिकारी होते थे, तो उनका इंडियनाइजेशन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस कि ट्रुप्स अगर भारतीय हैं तो उनको लीड करने वाला, उनको कमांड करने वाला व्यक्ति भी भारतीय होना चाहिए, इस सोच के साथ में पहला प्राइवेट मिलिट्री स्कूल इस्टेब्लिश किया गया था। दूसरा सवाल ये पूछते हैं कि कौन सा सैनिक स्कूल है जो कि सबसे बेस्ट है। तो सबसे बेस्ट सैनिक स्कूल राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून है, जो आज़ादी से पहले रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज के नाम से जाना जाता था। इसकी खासियत यह है कि इसके जितने बच्चे होते हैं कैडेट्स, 25 के बैच में दो बार एडमिशन्स मिलते हैं, जनवरी में एंड जुलाई में, एंड ऑलमोस्ट ऑल कैडेट्स ऑफ RIMC ज्वाइन NDA, नेशनल डिफेंस अकेडमी। इसके अलावा कुछ पांच राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स हैं जिसके एंट्रेंस एग्जामिनेशन RMS कंडक्ट करती है और उसके हिसाब से उनको एडमिशन्स दिए जाते हैं। ये गवर्नमेंट रन है, ये प्राइवेट नहीं है। RIMC भी प्राइवेट नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बजट से चलता है, मिनिस्ट्री डिफेंस के अंडर में आता है। इसके अलावा 1962 में एक सैनिक स्कूल सोसाइटी इस्टेब्लिश की गई थी जिसके कई सैनिक स्कूल हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर में एक सैनिक स्कूल है, और ये स्कूल्स जो हैं ये सेंटर और स्टेट की पार्टनरशिप है, और इन सैनिक स्कूल्स में जो एजुकेशन दिया जाता है उस वो भी RIMC जो राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज है उसी के लाइन्स पर दिया जाता है। बट RIMC जितना सक्सेस रेट नहीं है, क्योंकि RIMC में नेशनल 25 सीट के लिए पूरे राष्ट्र से, हर स्टेट से एक एक बच्चे आते हैं, और सैनिक स्कूल में आप स्टेट लेवल के बच्चों को लेकर के फौज के लिए तैयार करते हैं। तो फॉर सैनिक स्कूल से जो बच्चे NDA में जाते हैं उसका परसेंटेज तकरीबन 16 से 20% रहता है। इसके अलावा मिलिट्री स्कूल, प्राइवेट मिलिट्री स्कूल महाराष्ट्र के हर जिले में एक है, उनकी स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी है। कुछ और प्राइवेट मिलिट्री स्कूल्स हैं जैसे कि MET का मानेसर में, और भी कई स्कूल हैं, OSS है राजस्थान में, इस तरह के कई स्कूल्स हैं जिनकी पूरे कंप्लीट जानकारी मुझे भी नहीं। तो अभी बेसिकली जो सैनिक स्कूल सोसाइटी है इसने डिसाइड किया है कि न्यू सैनिक स्कूल पॉलिसी के तहत हम कई स्कूलों को, कई प्राइवेट NGOs को एफिलिएट करेंगे जो उनके नॉर्म्स एंड उनके सारे क्राइटेरियाज फुलफिल कर सकते हैं, उन स्कूल्स को वो एफिलिएट करेंगे सैनिक स्कूल सोसाइटी से। और ये स्कीम 100 सैनिक स्कूल के लिए सैनिक स्कूल सोसाइटी ने अभी अप्रूव किया है और आगे इसको 1000 सैनिक स्कूल तक ले जाने का प्लान्स है। ये जो सैनिक स्कूल की पॉलिसी बनी है ये हमारे प्रीवियस मिलिट्री स्कूल जो कि दुर्ग में चलता था वहाँ पे स्टडी और सर्वे हुआ था, जिसमें डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के DG लेफ्टिनेंट जनरल VG खंडारे सर, AVSM, PVSM, सेना मेडल, उन्होंने ये रिपोर्ट सबमिट की थी डिफेंस मिनिस्ट्री को, और कर्नल सुखबीर सिंह यहाँ हमारे यहाँ आए थे और जॉइंटली हमने ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना करके DG साहब को दी थी, जो कि आगे आज सैनिक स्कूल पॉलिसी जो बनी है वो इसी बेसिक बेस पे या इसी सर्वे के ऊपर या इसी फिजिबिलिटी रिपोर्ट के ऊपर बनी है। आज जो हमारा सैनिक स्कूल है कार्डिनल वॉरियर्स, ये भी उसी तरीके से, उसी तर्ज पे, उसी रूटीन पे चलता है, जिसमें हम बच्चों को ना सिर्फ NDA बल्कि IIT, NEET और अदर एग्जाम्स के लिए भी गाइड करते हैं। और चूंकि बच्चे हमारे पास में रेजिडेंशियल एंड डिबोर्डिंग में हैं और काफ़ी समय होता है, तो अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक क्लासेस इनके भी क्लासेस हम चलाते हैं, जिसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लिया जाता, या उसको हम कोचिंग का नाम नहीं देते, गाइडेंस का नाम देते हैं, सिंस वी आर नॉट चार्जिंग फॉर इट। अब एक सवाल जो कई पेरेंट्स का आता है वो ये होता है कि डिफरेंस क्या है आपके सैनिक स्कूल में और नॉर्मल K-12 स्कूल में।
देखिए, नॉर्मल K-12 स्कूल क्या हैं, कैसे हैं, कितने हैं, कौन कौन सी ब्रांड्स हैं, ये आप सब मेरे से बेहतर जानते हैं। और इस मैं आपको सैनिक स्कूल के बारे में बताता हूँ कि क्यों या कुछ एक्स्ट्रा जो सैनिक स्कूल कर रहा है वो क्या है। तो जो नॉर्मल स्कूल में CBSE का एकेडमिक्स करिकुलम चलता है, एग्जैक्टली सेम हमारे यहाँ भी चलता है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। इसके CBSE की गाइडलाइंस फॉलो की जाती हैं, या अगर कोई सैनिक स्कूल ICSE से एफिलेटेड है या इंटरनेशनल बोर्ड से एफिलेटेड है तो वो उनकी गाइडलाइंस फॉलो करता है। न्यू सैनिक स्कूल पॉलिसी में गवर्नमेंट ने सारे तरह के बोर्ड्स, इवन स्टेट बोर्ड्स को भी अफिलिएट होने के लिए अलाउ किया है अपनी पॉलिसी के तहत। और दूसरा, मिलिट्री स्कूल में चूंकि हमारे पास टाइम ज़्यादा रहता है तो हम बच्चों पे कई कहना चाहिए कैरियर के हिसाब से या पर्सनालिटी डेवलपमेंट के हिसाब से या स्पोर्ट एक्टिविटी, हॉर्स राइडिंग, शूटिंग, स्विमिंग, आउटडोर एडवेंचर, इस तरह की एक्टिविटीज़ कराते हैं जिससे उनके अंदर की झिझक कम हो, उनके अंदर का भय निकले। और जो हमारा मेन मोटो है, फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट एंड मॉरली स्ट्रेट कैडेट्स हम डेवलप कर सके और जो कि आगे चल के देश के रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बन सके और अपनी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज सारी अपनी समझ सके और उसको अच्छे से निभा सके। एक मिथ है, एक और पेरेंट्स का जो बड़ा क्वेश्चन आता है वो कि यहाँ पे सिर्फ PT होती है, परेड होती है, शूटिंग होती है, हॉर्स राइडिंग होती है, पढ़ाई नहीं होती। तो ये बहुत गलत आपका व्यूज़ है, सोच है, क्योंकि ये सब चीज़ें होती हैं और क्योंकि हमारे पास टाइम है, कैडेट्स हमारे पास जो रेजिडेंशियल हैं 24 घंटे अवेलेबल हैं, संडेज़ को अवेलेबल हैं, हॉलीडेज़ को अवेलेबल हैं, तो हम हर तरह की एक्टिविटीज़ कराना अफोर्ड कर सकते हैं और करते हैं। हमारे पास 6 हॉर्सेज हैं जिसके ऊपर हम बाकायदा हॉर्स राइडिंग की प्रैक्टिस कराते हैं। हमारे ग्राउंड्स हैं जिसमें हम अपने बच्चों को सारे गेम्स एंड स्पोर्ट्स में एक्सपोजर देते हैं, उनको कोचिंग करते हैं, गाइड करते हैं। लेकिन एकेडमिक्स के बाद आफ्टरनून में हमारे, जो मैंने बताया था कि IIT, NEET, NDA, SSB, ये सब की जो कोचिंग दी जाती है या जो गाइडेंस कहना चाहिए मुझे दिया जाता है, बिकॉज वी आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग फॉर इट, तो डे बोर्डर्स एंड बोर्डर्स को बाकी इकट्ठे ये हमारी गाइडेंस लगातार बदस्तूर चलती है। और इवनिंग में भी जो बोर्डर्स हैं वो अपनी क्लासेस अटेंड करते हैं और इवन हमारे कैडेट्स रात को 11-11 बजे तक पढ़ते हैं। तो जो कि नॉर्मली यदि आपके घर पे आप देखेंगे तो आपके बच्चे 8 बजे या कितने भी टाइम पे मोबाइल के अंदर ही मिलेंगे, पढ़ते हुए नहीं मिलेंगे। और दूसरा बेनिफिट हमारा सबसे बड़ा ये है कि आपके बच्चे आपको मोबाइल, जंक फूड और बाकी सोशल इवेंट्स जो आज की डेट में बहुत प्रेवलेंट हो गई हैं, ड्रग्स एक्सेट्रा, उससे भी दूर रहेंगे, एक डिसिप्लिन एनवायरनमेंट में रहेंगे, एक तय शुदा रूटीन के अंदर में काम करेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे या खेलेंगे। ये तो हमारे यहाँ एकेडमिक्स के अलावा बाकी सारी चीज़ों पे भी उतना ही जोर दिया जाता है जितना कि एकेडमिक्स पे दिया जाता है। तो ये मिथ बिल्कुल गलत है, ये सोच बिल्कुल गलत है कि यहाँ सिर्फ घुड़सवारी होती है, सिर्फ ये हॉर्स राइडिंग होती है और पढ़ाई लिखाई नहीं होती। ऐसा ये जो आपका सोच है ये बिल्कुल गलत है। फिर मिलिट्री स्कूल, K-12 स्कूल में जहाँ पे अलग है या भिन्न है, वो एक पार्ट आता है जिसको कहते हैं कि विल पावर डेवलपमेंट। अब विल पावर डेवलपमेंट जो है, इसको यदि आप गूगल पे सर्च कर लीजिए या इसके ऊपर आप बुक्स पढ़ लीजिए तो आप पाएंगे कि विल पावर डेवलपमेंट का एक ही सबसे आसान तरीका है, वो है बाय द वे ऑफ फिजिकल फिटनेस। अब इसके ऊपर मैं एक आपको छोटा सा किस्सा सुनाऊंगा कि जैसे हम फौजी बैकग्राउंड से नहीं है और हमने फौज ज्वाइन की थी, तो उसके बाद जब पहली बार अनाउंस हुआ कि क्रॉस कंट्री के लिए 16 किलोमीटर दौड़ना है, तो वी थॉट कि कुछ शायद मजाक कर रहे हैं और इतना तो पॉसिबल ही नहीं है, कोई दौड़ ही नहीं सकता। और ये जो सोच है कि इतना पॉसिबल नहीं है कोई, ये एक सिविलियन सोच कहना चाहिए या एक इसको मेंटल ब्लॉक कहना चाहिए। तो जो जो मेंटल ब्लॉक है वो हमारा टूटा, दौड़ना शुरू किया गया। टाइमिंग अच्छी नहीं थी तो दिन में 2 बार दौड़ना पड़ता था, लंच के तुरंत बाद हम 16 किलोमीटर दौड़ने जाने लगे। टाइमिंग फिर भी ठीक नहीं हुई तो हमें इवनिंग गेम्स के टाइम पे भी जो है 16 किलोमीटर दौड़ना पड़ा और बड़े जल्दी फिर हम लोग की टाइमिंग सही हो गई कि और फाइनल कंपटीशन हुआ। विद इन 1 मंथ के टाइम फ्रेम में जिस आदमी ने कभी 5 किलोमीटर नहीं दौड़ा वो 16 किलोमीटर, वो भी एक्सेलेंट टाइमिंग्स, पूरी की पूरी 250-300 कैडेट्स की जो एकेडमी थी वो 50 मिनट्स के अंदर में 16 किलोमीटर कंप्लीट करके आके मैदान में
बैठी अपने वार्म अप या कूल डाउन एक्सरसाइजेस कर रही थी। तो दिस इज व्हाट इज ए मेंटल ब्लॉक, जो कि विल पावर डेवलप करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। जैसा मैं बता रहा था कि आपकी फिजिकल कैपेबिलिटीज, या आप जब अपने आप को पुश करते हो फिजिकली, तो वो कहीं ना कहीं आपको मेंटली उतना स्ट्रांग बनाता है। वो आपको, जैसे हमारे नए कैडेट्स आए थे पिछले साल, तो उनको बड़ी प्रॉब्लम थी कि नींद आती थी क्लास में, बिकॉज फिजिकल एक्टिविटी की आदत नहीं थी। बट वेरी सून दे बिकेम एक्सटम्ड टू आवर टफ फिजिकल रूटीन, और उसके बाद उनको नींद आनी बंद हो गई। दूसरी चीज जो उनको एक तरह की बगावत सी लगी कि ये दोपहर को भी पढ़ाते हैं, ये रात को भी पढ़ाते हैं, शाम को भी पढ़ाते हैं, तो एक सत्याग्रह का भी माहौल बना था, जिसमें कैडेट्स ने अपने आप को, अपनी फीलिंग्स प्रकट करी कि ये कुछ ज़्यादा हो रहा है। तो ये ज़्यादा नहीं हो रहा था, और दिस इज़ द वे वी आर सपोज टू वर्क, दिस इज़ द वे वी मेक देम डिसिप्लिन एंड फॉलो द रूटीन्स। तो ये छोटे छोटे यदि रूटीन्स वो फॉलो करना सीख जाएंगे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, बाय द एंड ऑफ द ईयर ये काफ़ी कंफर्टेबल हो गया था। एंड कैडेट्स के अंदर जो कभी पढ़ाई नहीं करते थे, उनके रिजल्ट्स में भी हमने मार्क्ड इम्प्रूवमेंट देखा। तो ये छोटे रूटीन से जो छोटी सक्सेसेस मिलती हैं, यही आगे चल के इनको बड़ा गोल्स, NDA हो, IIT हो, NEET हो, इस तरह के गोल्स अचीव करने के लिए प्रेरित करती हैं और कराती हैं। ये छोटी छोटी हैबिट्स, छोटी छोटी अच्छी यदि उनकी आदतें हमारे यहाँ जो डिसिप्लिन की डाली जाती हैं, अगर पड़ जाए तो ज़रूरी नहीं है कि वो IIT निकाले निकाले या NDA निकाल के आर्मी ज्वाइन करे। वो ज़िंदगी में जहाँ भी रहेगा, आई कैन गारंटी यू कि वो ज़िंदगी में अच्छा करेगा, एंड जो भी करेगा नियम कानून के अंदर करेगा, डिसिप्लिन के साथ करेगा, और एक एक उम्दा व्यक्तित्व या उदाहरण प्रस्तुत करेगा बाकी समाज के लिए, कि जो जिसका अनुसरण कर सकें, जिसके तौर तरीकों को हम सीख सकें। जैसे हमारा मैंने बताया कि मिलिट्री ट्रेनिंग का रूटीन जो होता है हमारा, वो टास्क ओरिएंटेड होता है। अब यदि हमने पढ़ाई के लिए इतना टाइम, मैंने बताया कि दोपहर में भी बैठा देते हैं, रात को भी बैठा देते हैं, तो हम क्या पढ़ाते हैं? तो इनको बेसिक पढ़ाने का जो टेक्निक है वो बहुत साइंटिफिक है, और उसमें जैसे आप देखते होंगे कि एक स्लेट है, स्लेट यदि आपने मिटा दिया तो फिर उसके बाद उसको वापस नहीं पढ़ सकते, उसी तरीके से आपका दिमाग है, जिसमें आप डेली आप जो चीज़ें पढ़ते हैं वो कई चीज़ें मिटा दी जाती हैं, लेकिन अगर आप उसको ठीक सोने से पहले पढ़ते हैं तो वो आपके दिमाग में लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है। अगर आप उसको हर वीक संडे को रिवाइज करते हैं, वीकली रिविजन करते हैं, तो थोड़ा और लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है। मंथली रिविजन भी करते हैं तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है, और एग्जाम के टाइम पे आपको ना हड़बड़ी होती है, ना एंग्जाइटी होती है, और ठंडे दिमाग से आप एग्जाम्स दे पाते हैं। तो ये जो छोटे छोटे विक्ट्रीज हैं, छोटे छोटे रूटीन्स हैं, दिस हेल्प यू इन फ्रॉम लॉट ऑफ ट्रबल्स। अदरवाइज आप साल भर का सिलेबस एक दिन में पढ़ते हैं, आपको एंग्जाइटी होती है, आपको डर लगता है कि फेल ना हो जाए, और जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस भी आप एग्जामिनेशन हॉल में गलत करके चले आते हैं। तो दैट इज़ द रीज़न वी रिकमेंड कि सैनिक स्कूल में जो रूटीन सिखाया जाता है वो सिर्फ पढ़ाई लिखाई या गेम्स एंड स्पोर्ट्स या घुड़सवारी तक सीमित नहीं है। इसमें आपकी पर्सनैलिटी में वो गुण, वो चीज़ें डाली जाती हैं जो आपको विनर्स बना सकें, लाइफ लॉन्ग विनर्स बना सकें, लाइफ लॉन्ग लर्नर्स बना सकें। साथ ही साथ जैसे मैंने बताया कि हम NDA की गाइडेंस देते हैं, जो नॉर्मल सैनिक स्कूल्स में भी दी जाती हैं, RIMC में दी जाती हैं, तो उस NDA की गाइडेंस में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू, जब आप NDA का रिटर्न एग्जामिनेशन या आर्मी नेवी एयरफोर्स के कोई भी रिटर्न एग्जामिनेशन निकाल लेते हैं, तो उसके बाद ये इंटरव्यू मैंडेटरी है फॉर द सिलेक्शन ऑफ ऑफिसर्स, और आर्म्ड फोर्सेज ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉलो दिस प्रोसीजर फॉर सिलेक्शन ऑफ ऑफिसर्स फॉर द आर्म्ड फोर्सेज। और ये इंटरव्यू जो है बड़ा साइंटिफिक है, और 3 या 4 दिन में लगातार ये चलता है। तो जिसमें जो टेस्ट इन्वॉल्व हैं वो साइकोलॉजिकल टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू और ग्राउंड टेस्ट शामिल है। तो इसमें एक इंडिविजुअल की तीनों पर्सनालिटीज़, जो आपके थॉट्स हैं, तो आपके वर्ड्स हैं, जो आपके डीड्स या एक्शन हैं ऑन ग्राउंड, उनको देखा जाता है, कंपेयर किया जाता है, और ये चेक किया जाता है कि इसमें कहीं कोई कॉन्ट्रडिक्शंस तो नहीं है, कहीं कोई झूठ या फरेब तो नहीं है, या फेक पर्सनालिटी तो नहीं है। और ये पास करने वाले लोग ही आर्मी नेवी एयरफोर्स में ऑफिसर बन सकते हैं, बिकॉज दे हैव टू लीड द मैन। तो जो यदि आप जवानों को लीड करना है तो उसके लिए कुछ तयशुदा नियम है फौज के, कि आपका कैरेक्टर, आपका स्पाइन स्टील का होना जरूरी है, और अनफेयर, बिल्कुल फेयर होना जरूरी है आपको, आप अनफेयर नहीं हो सकते किसी के साथ में। ऐसे कई पैरामीटर्स हैं लीडरशिप के,
पर्सनल एग्जाम्पल से आपको लीड करना है। तो ये जो चीज़ें यदि आपके अंदर OLQs हैं तो ही आपको उस ऑफिसर्स सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू में सेलेक्ट किया जाता है। तो ये क्वालिटीज़ के बारे में जो हम अवेयरनेस करते हैं, बेसिकली स्टूडेंट्स गेट अवेयर अबाउट दिस क्वालिटीज सो दैट दे स्टार्ट इम्बाइबिंग या नर्चरिंग दोज क्वालिटीज़ इनसाइड देम। और ये क्वालिटीज़ अगर नेचुरली उनके अंदर में है तो जब वो SSB देने जाएंगे तो दैट इज़ द टाइम ये क्वालिटीज़ उनके काम आएंगे। एंड दे डोंट हैव टू फेक कि मैं कोऑपरेटिव हूँ, मैं अच्छा हूँ, आई स्पीक द ट्रुथ एंड आई एम वेरी फेयर। ये सब क्वालिटीज़ हमारे रूटीन में, हमारे सिस्टम में, हमारे ट्रेनिंग में इन्वॉल्व रहती हैं। और इसको इस वजह से ऐसे स्टूडेंट्स जब सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू में जाते हैं तो दे क्लियर इट, बिकॉज सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू का बिल्कुल सिंपल सा नियम है कि जैसे आप हैं वैसे ही रहिए, आप सेलेक्ट हो जाएंगे। और मोस्ट ऑफ द पीपल दे आइदर ओवर डू इट और दे अंडर एस्टिमेट देम सेल्फ एंड दे अंडर परफॉर्म। तो ये एक सैनिक स्कूल के हिसाब से जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के ऊपर हम गाइडेंस या ट्रेनिंग देते हैं, यूजुअली ये आपको कहीं नहीं मिलेगी अनलेस एंड अंटिल यू नो समवन इन योर फैमिली जो कि आर्म्ड फोर्सेस से है। अदरवाइज ऑन यूट्यूब एंड नेट के ऊपर भी आपको काफ़ी जानकारी मिल जाती है, बट दे आर ऑल मिसलीडिंग। और इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि इतनी छोटी सी बात एक कैडेट को बताने के बजाय आप कंफ्यूज ज़्यादा कर देते हैं। एक सैनिक स्कूल में बच्चे को फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट एंड मॉरली स्ट्रेट बनाने के लिए तो क्या क्या तरीके हैं, तौर तरीके हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें सबसे पहला है कि हम उनकी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए, क्यूरियोसिटी को बढ़ाने के लिए, क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए एकेडमिक करिकुलम में ऐसी चीज़ें डालते हैं ताकि उनको हम चैलेंज कर सकें, उनको इम्प्रूव करने के लिए प्रेरित कर सकें। साथ ही साथ जैसे टैबलेट बेस्ड लर्निंग होती है जिसमें हम उनको टेक्नोलॉजी और इंटरनेट कनेक्टिविटी और जैसा हमारे NEP में आज की तारीख में कोडिंग एंड बाकी चीज़ें भी आ गई हैं तो वो सब चीज़ों को भी टेक्नोलॉजी से भी हम उनको कन्वर्जेंट रखते हैं। साथ ही चूंकि हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है जोश एंड होश, तो ये सब जो जोश की बातें थी, होश की बातें करें तो यहाँ पे हम उनको एंटरप्रेन्योरशिप, हमारे जो टीम है, हमारे जो डायरेक्टर्स हैं, जो हमारी बैकिंग है उसमें रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स से लेकर के रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स, रिटायर्ड एक्स एलुमनाई ऑफ IITs, IIMs, ये हमारी टीम में है। तो ये जो होश पार्ट ऑफ द करिकुलम है या जो पढ़ाई लिखाई या समथिंग क्रिएटिविटी से रिलेटेड है या एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड है, वो सारी चीज़ें हमारे होश कॉन्सेप्ट में डिलीवर की जाती है। साथ ही साथ ऐसी मेच्योर हैबिट्स जिसमें आप अपने साथियों के साथ रहते हैं, आप उनके स्वॉट एनालिसिस करते हैं, आप उनको समझते हैं कि इनके अंदर क्या क्या खूबियाँ हैं, वो खूबियाँ उनसे आप अपने अंदर ग्रहण करते हैं, आप ये भी समझते हैं कि इनके अंदर क्या क्या गलतियाँ हैं और वो गलतियाँ को आप अपने अंदर नहीं डेवलप करते हैं। तो ये मैच्योर हैबिट्स आप जब जिस दिन डेवलप करना शुरू करते हैं तो उसी दिन आप मतलब यू स्टार्ट टू टर्न मैच्योर। वही हम कहते हैं कि वी आर मेकिंग मैन आउट ऑफ बॉयज एंड वुमेन आउट ऑफ गर्ल्स। और जो बच्चों के अंदर हम जो मेहनत करने का मादा और जो वर्कआउट करने का मादा डालते हैं, जिसमें चाहे फिजिकल फिटनेस का हो, चाहे एकेडमिक लर्निंग का हो, और इसके ऊपर हम उनको आपस में ही कॉम्पिटिट कराते हैं जिसकी वजह से वो उनका जो टैलेंट है या जो क्रिएटिविटी है या जो एकेडमिक्स है या स्पोर्ट्स है वो और निखर के आए और उसको शार्पन कर सकें, उनकी मेंटल फैकल्टीज़ को। और इस तरीके से इस कैडेट को जो कि किसी भी नॉर्मल बैकग्राउंड से आ रहा हो, किसी भी बोर्ड से आ रहा हो, उसको हम जितनी उसकी बेस्ट ऑफ द कैपेबिलिटीज़ है उस कैपेबिलिटीज़ तक हम उसको लेके जाते हैं। और रूटीन हमारा टफ है, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन आज की डेट में अगर आपको सर्वाइव करना है तो डेफिनेटली एवरी वन इज स्ट्रगलिंग। आप लोग सबको खुद नौकरी कर रहे हैं या खुद कोई बिजनेस कर रहे हैं तो एवरी वन इज पुटिंग इन टाइम एंड एफर्ट्स। तो लेट्स वाई नॉट ट्रेन अवर स्टूडेंट्स और कैडेट्स राइट फ्रॉम द एज ऑफ क्लास 6 ऑनवर्ड्स। तो ये बहुत अच्छा आपका डिसीजन है कि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे सैनिक स्कूल में पढ़ें, और मैं स्वागत करता हूं। और इसमें आप ये बेस्ट गिफ्ट एक अपने बच्चे को दे सकते हैं आज की तारीख में, तो वो एक सैनिक स्कूल एजुकेशन है, क्योंकि वो उसको बनाएगा डिसिप्लिन्ड फॉर लाइफ। नो डाउट यहाँ पे हम उनको काफ़ी रगड़ेंगे।
जो फौज के लैंग्वेज में कहा जाता है, तो उसमें एक आपको मैं बताऊंगा कि जो हमारा फौज का एक नॉर्मल बोलचाल में कहा जाता था कि बूट और रंगरूट, इसको आप जितना घिसोगे ये उतना चमकेंगे। तो ये कैडेट्स जो हैं इनको हम अच्छे से रगड़ेंगे, घिसेंगे, और हमारी उम्मीद होगी कि ये आगे चल के चमकेंगे और वो आगे चीज़ें करेंगे, फौज में जाएंगे, अच्छे करियर बनाएंगे और वो काम करेंगे देश सेवा के, जो काम हम छोड़ के आए हैं वो काम वो पूरा करेंगे और देश की रक्षा करेंगे, देश की सेवा करेंगे। इस उद्देश्य के साथ हम ये सैनिक स्कूल लेके आए हैं और बच्चों को गाइड कर रहे हैं और ट्रेन कर रहे हैं। अंत में मैं आपको दुष्यंत कुमार की लाइन के साथ मैं छोड़ूंगा, अपने वचन को, वाणी को विराम दूंगा और ये पंक्तियां हैं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं सही, तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी ये आग जलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।